दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट में छोटी सी गलती आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और आपकी यूट्यूब की अर्निंग एडसेंस में फंस सकती है, होल्ड हो सकती है। दोस्तों क्या है वो गलती, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को आपने मोनेटाइज कर लिया, गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक कर लिया और अब आप रिलैक्स हो गए कि आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई, तो रुकिए और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों YouTube चैनल बनाने के बाद गूगल एडसेंस में छोटी सी गलती आगे चलकर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। आज दोस्तों मेरे पास एक YouTube चैनल आया जिनके चैनल पर यही प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको कर दिखाऊंगा और गूगल एडसेंस में इन्होंने क्या ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आगे चलकर इनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी को यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करे, जो मेरा रियल हैंडल है टेक्नो गुरुदेव का, जाकर वहां पर फॉलो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों मैं देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने यूट्यूब कैरियर और चैनल की सेफ्टी चाहते हैं तो आप टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबा लीजिए, क्योंकि यहां पर हर वो वीडियो आती है जिसकी आपको जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बता देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। दोस्तों जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक करते समय जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप एक छोटी सी गलती करते हैं जो कि आगे जाकर आपको बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। दोस्तों ये गलती है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करते समय। दोस्तों वहां पर आपको दो टाइप मिलता है, इंडिविजुअल और बिजनेस। बहुत सारे लोग दोस्तों यहां पर अपने YouTube चैनल के लिए एडसेंस अकाउंट टाइप में बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दोस्तों आपको बिजनेस एडसेंस अकाउंट तभी सेलेक्ट करना है जब आपका YouTube चैनल किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी जो है बिजनेस पर्पस से क्रिएट किया गया हो। मतलब दोस्तों बिजनेस एडसेंस अकाउंट हमेशा बिजनेस YouTube चैनल या बिजनेस वेबसाइट के लिए काम करता है। अगर आप पर्सनली अपना YouTube चैनल चला रहे हैं तो आपको अपना एडसेंस अकाउंट टाइप हमेशा इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। दोस्तों बिजनेस एडसेंस अकाउंट में आगे चलकर जो दिक्कत आती है वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, और वहां पर आप फंस जाएंगे। वहां पर दोस्तों आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो बिजनेस डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जो कि आपके पास ना होते हैं और आप जो है वहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका एडसेंस अर्निंग तो करने लगता है, स्टार्ट भी हो जाती है अर्निंग आपकी, लेकिन वो अर्निंग आपके एडसेंस में फंसी रह जाती है और आप जो है परेशान हो जाते हैं। तो क्या है, चलिए मैं आपको इनके चैनल पर ले चलकर दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है और यहां पर जो डेट देख रहे हैं दोस्तों ये September 9, 2018 का चैनल है और ये दोस्तों चैनल मोनेटाइज है, लेकिन दोस्तों इनके एडसेंस में वही प्रॉब्लम आ गई है कि इन्होंने बिजनेस एडसेंस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया था और इतने सालों से ये बिजनेस एडसेंस अकाउंट में ही अर्निंग ले रहे थे और इनका प्रॉब्लम वहां पर आ गया था और ये परेशान होकर टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर किए हैं। अब इनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो दोस्तों इनके गूगल एडसेंस को हम ओपन करते हैं, ये आप देख सकते हैं इनका गूगल एडसेंस अकाउंट है, बिल्कुल सेम वैसे ही गूगल एडसेंस अकाउंट ये भी रहेगा जिस तरीके से आपका इंडिविजुअल होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं योर यूट्यूब पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स और यहां पर एक्शन बटन मिला है। अब दोस्तों अगर हम एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो आगे देखते हैं क्या यहां पर बता रहा है, अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस टाइप एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन यहां पर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप कहां से चेक करेंगे कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो बिजनेस है या इंडिविजुअल है। तो चलिए हम यहां पर आपको ले चलते हैं पेमेंट इंफॉर्मेशन के पेज पर और यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट का पेमेंट इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहां पर पेमेंट प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है। अब आपको यहां पर दोस्तों दिख जाएगा अकाउंट टाइप बिजनेस। दोस्तों यही छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि जब इस गूगल एडसेंस अकाउंट में दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस टाइम जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो वहां पर आपसे बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो कि आपके पास नहीं होंगे और आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ ऑलरेडी लिंक है। दोस्तों यहां पर जो पब्लिशर आईडी आप देख रहे हैं ये जो है गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक है और इनकी जो है अर्निंग भी यहां पर हो रही है, स्टार्ट हो गई अर्निंग। आपका बिजनेस एडसेंस अकाउंट लिंक हो जाता है, अर्निंग भी होने लगती है, लेकिन वही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी यूट्यूब की पेमेंट एडसेंस में आ भी
जाएगी और गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन न होने की वजह से वो वहीं पर फंसी रह जाएगी और आपको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस एडसेंस अकाउंट को आपको क्लोज करना है, इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक करना है। कैसे करना है वो सारा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों इस एडसेंस अकाउंट में हम जो है इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर अकाउंट सेटिंग में आएंगे और यहां पर जो है सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस ओपन है, तो आपको क्लोज पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस बिजनेस टाइप एडसेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम यहां पर क्लोज अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग योर अकाउंट और यहां पर एडसेंस फॉर यूट्यूब को हम सिलेक्ट करेंगे और क्लोज माय अकाउंट के ऊपर हम यहां पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब, यू हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड योर अकाउंट। तो दोस्तों बिजनेस एडसेंस अकाउंट को पूरी तरीके से क्लोज करने के बाद आपको अपने चैनल के पेज पर आना है और यहां पर दोस्तों जो आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम वाला ऑप्शन है यहां पर आपको चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर आपको क्लिक करना है और नया एडसेंस अकाउंट इंडिविजुअल क्रिएट करके चैनल के साथ लिंक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद दोस्तों वेरीफाई इट्स यू का पेज आएगा, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो है पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो अपने जीमेल का पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके फोन पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको आपको ओके कर देना है कोड को, ठीक है। और यहां पर दोस्तों हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहां पर यूज अनदर अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहां पर अपने जीमेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसी जीमेल से एडसेंस अकाउंट चाहते हैं। तो चलिए हम यहां पर यूज अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर दोस्तों हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर माई सेल्फ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फॉर माई सेल्फ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर अपना नेम डालने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों नेम डालने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर जेंडर पर सिलेक्ट करके अपना जो है जेंडर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना जो है एक जीमेल आईडी का यूजर नेम बनाने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहां पर गेट ए जीमेल एड्रेस इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमने यहां पर अपना यूजर नेम डालकर नेक्स्ट किया और ये आगे का प्रोसेस आ गया पासवर्ड बनाने। दोस्तों दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसके आगे आपको मोबाइल नंबर या फोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालकर यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर डालकर हम नेक्स्ट करेंगे और उसी मोबाइल नंबर पर हमारे ओटीपी कोड भेजा जाएगा। दोस्तों ओटीपी कोड यहां पर हम डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आगे आएगा रिकवरी ईमेल का, जिसको हम स्किप कर देंगे और यहां पर दोस्तों ऐड फोन नंबर रिकवरी के लिए आ रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स का पेज आ गया है और यहां पर नीचे आकर हम आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमको ये गूगल एडसेंस के साइन अप पेज पर भेज देगा। दोस्तों यहां पर गूगल एडसेंस का साइन अप पेज आ चुका है और ये जो जीमेल आईडी आपकी दिख रही है इसको आपको नोट करके रख लेना है, इसी से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा। और ये जो आपका नेम दिख रहा है वो जो आप नेम यहां पर फिल किए थे वो नेम आपका यहां पर दिख रहा है। योर वेबसाइट में दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चैनल का यूआरएल, जिसके लिए हम एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं उस चैनल का यूआरएल यहां पर आ चुका है। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस में दोस्तों हम यहां पर नो को सिलेक्ट करेंगे और नीचे दोस्तों सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी में दोस्तों हम क्लिक करेंगे और जो भी आपकी कंट्री है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहां पर अपना प्यारा भारत को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों नीचे आने के बाद यहां पर हमको एक एस करने का जो ऑप्शन मिलेगा इसको चेक कर देना है और यहां पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद ये आपको गूगल एडसेंस के पेमेंट या कस्टमर इंफॉर्मेशन पेज पर ट्रांसफर कर देगा और यहां पर आपको अपना नेम एड्रेस फिल कर सबमिट करना है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों वही जो गलती यहां पर आपको दोहराना नहीं है, यही जो गलती यहां पर हुई थी वो गलती अब आपको दोबारा से नहीं करना है। अकाउंट टाइप सबसे पहले गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है और यहां पर दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इंडिविजुअल और बिजनेस दो टाइप के एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये सेटिंग जितना छोटी है उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम इसमें छिपी हुई है, तो हमेशा गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट करें, वरना बिजनेस एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब कैरियर को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेम एंड एड्रेस में हम अपना नेम और एड्रेस फिल कर सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने कस्टमर इंफॉर्मेशन पेज पर अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, उसके बाद अपना नेम फिल कर दिया और अपना एड्रेस फिल कर हम यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे।
अब ये दोस्तों हमको यहाँ से हमारे चैनल पर रिडायरेक्ट कर देगा, हमको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटो प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा YT स्टूडियो दोबारा से ओपन हो रहा है और वहाँ पर दोस्तों जो हमारा मोनेटाइजेशन स्टेप टू होगा अब वो इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने नया गूगल एडसेंस अकाउंट जो कि इंडिविजुअल टाइप का है वो चैनल के साथ लिंक किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप टू हमारा इन प्रोग्रेस में चला गया है और स्टेप थ्री दोस्तों ऑलरेडी हमारा चैनल रिव्यू है तो हमको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बस हमको गूगल एडसेंस का जो है रिव्यू होने का वेट करना है, जब तक जो है टीम जो है गूगल एडसेंस को अप्रूव नहीं कर देगी स्टेप टू यहाँ पर डन नहीं होगा। इसमें दोस्तों आपको 2 से 3 सप्ताह का मैक्सिमम टाइम लग सकता है लेकिन 1 वीक के अंदर ये हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से बस आपको अब वेट करना है और आपका इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक हो चुका है और आपका जो बिजनेस एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक था वो हट गया है। दोस्तों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है गूगल एडसेंस रिलेटेड या मोनेटाइजेशन स्टेप टू से रिलेटेड या जो है कोई भी एडसेंस रिलेटेड यूट्यूब चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।